Assalamualaikum friends, I'm Dr. Nazia and welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले मैं आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ और बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मेरे पिछले वीडियो पे, यानी बाल्डनेस पे जो वीडियो मैंने बनाया था हेयर लॉस के ऊपर, उसको बहुत अप्रिशिएट किया आपने. बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स उस पर किए हैं, तो बहुत ज़्यादा आप सबका मैं दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड फील होता है और ज़्यादा हौसला बढ़ता है कि हम आगे भी और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक पहुँचाएँ. तो इसी तरह पसंद करते रहिएगा मेरे वीडियोस को और अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा. तो ठीक है, आज के टॉपिक पे आते हैं. आज मैं टॉपिक आपके लिए जो लाई हूँ डिस्कस करने के लिए, बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेन है ये भी, और बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ आजकल इतनी ज़्यादा देखी जा रही है, मतलब क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये. तो मैं बात कर रही हूँ स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, यानी कि बहुत नेक पेन जिसे हम कहते हैं, और गर्दन में जो दर्द हो जाता है, अकड़न हो जाती है, अकड़ जाती है, कहते हैं ना गर्दन में अकड़न हो गई है, वो चीज़ होती है, तो स्पॉन्डिलाइटिस उसका टर्म है. तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इस तरह की हो गई है कि बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो जा रहे हैं, और मैं आप सब लोग ही इससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं इस तरह की परेशानी से. तो बहुत अच्छी अच्छी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसमें होम्योपैथी में, कि आप इजीली इसको दवाओं से अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप सही कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गया तो आपको फिर आगे दूसरी चीज़ें करनी होगी, लेकिन शुरुआत है तो आप उसको होम्योपैथिकली कंट्रोल कर लीजिए. और कुछ मैनेजमेंट टिप्स मैं आपको बताऊँगी जिससे बहुत ईजिली आप अपनी स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं. तो स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली होता क्या है? आपकी जो वर्टिब्रेज होते हैं, यानी कि बैक पे जो स्पाइनल कॉर्ड जिसके बीच से गुजरता है, वो सारे वर्टिब्रेज जो होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी सूजन आ जाती है. तो वो कई पॉइंट पे होता है, यानी सर्वाइकल एरिया में अगर स्वेलिंग आई है वर्टिब्रेज में, तो उसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस. थोरैसिक एरिया में आए तो थोरैसिक कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस. और अगर पीछे बैक पे कमर पे आई है वो चीज़, सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया है, पेन है, तो उसे हम लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं. तो सबसे ज़्यादा कॉमन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और होम्योपैथी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथी है इस मैटर के लिए. तो क्या होता है कि पहले ये था कि एजेड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एज होने के बाद ही ये सारी चीज़ें देखी जाती थी. आप सुनते भी होंगे, पहले के लोग कहते थे, लेकिन आजकल हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि हम में से सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं और इस चीज़ को झेल रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाने वाली चीज़ है इंडिया में भी, और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी है. तो इसके कॉजेज पहले देखते हैं, क्या वजह है जिसके वजह से ये स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है हमारे अंदर. तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो है रॉन्ग पोस्चर, यानी कि आप सही तरह से बैठते और खड़े नहीं होते, यानी कि आपका जो पोस्चर है, आपका जो स्टाइल है खड़े होने का, वो प्रॉपर नहीं है. आप थोड़े झुके रहते हैं या थोड़ा टेढ़े मेढ़े, तो उसके वजह से आपके वर्टिब्रेज में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके वजह से आगे चल के बल्जिंग भी हो सकता है वर्टिब्रेज का, तो वो और ज़्यादा परेशानी की बात हो जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है. तो क्या होता है कि फिर और हमें दूसरी कंप्लेंट्स भी पता चलने लगती है, यानी कि स्टिफनेस. पहले शुरू में तो सिर्फ स्टिफनेस पता चलेगी, यानी अकड़ी हुई है गर्दन ऐसा लगेगा, या फिर पेन है, लेकिन आगे चल के वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ सकती है. तो सबसे पहला कॉज ये है कि रॉन्ग पोस्चर. सेकेंड कॉज आता है जेनेटिक आता है, यानी कि फैमिलियल टेंडेंसी अगर है फैमिली में, अगर लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस है आपके दादी नानी ये लोग में, तो आपको भी ये चीज़ हो सकती है. थर्ड कॉज आता है डीजेनरेटिव चेंजेस इन द बॉडी, यानी कुछ डीजेनरेटिव डिजीजेज से आप अगर सफ़र कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी एज अ रिजल्ट आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो ये कुछ कॉजेज हैं जो देखे जाते हैं. अब आप देखेंगे कि सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स में हम क्या सारी चीज़ें देख सकते हैं. तो सबसे पहला सिम्टम है स्टिफनेस ऑफ नेक. बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हार्ड हो चुकी है नेक, घुमाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, पेनफुल रहेगा, और उसके बाद आगे चल के आपको नमनेस ऑफ हैंड्स और फीट भी फील हो सकता है. अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो हाथ में आपको उंगलियों में नमनेस फील होगा. अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे, सो के उठने के बाद आपको हाथ पैर नम लगने लगता है. तो ये सारी चीज़ें होती है. और अगर आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है तो आपको पैरों में ये चीज़ हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा नमनेस फीलिंग हो सकती है, जिसे हम स्लीपिंग फुट सिंड्रोम भी कहते हैं. और बहुत ज़्यादा जब हद से ज़्यादा हो जाती है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस,
तो वो कॉज करती है, साइटिका भी कॉज करती है। साइटिका पे मेरा एक वीडियो है, आप उसको रिफ़र कर लीजिएगा जिसको साइटिका की प्रॉब्लम रहती है। तो साइटिका कॉज करने लगती है, यानी साइटिक नर्व जो है वो कंप्रेस होने लगती है, तो और ज़्यादा झुनझुनाहट और आपको तकलीफ होने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली कंप्लेंट्स है जो होती है। फिर आगे चल के आपको वर्टिगो भी हो सकता है, यानी चक्कर भी आ सकता है, ये भी होता है। और तो आपको अगर ये सारी कंप्लेंट्स रहती है, अगर आप में से कोई है जिसको ये सारी चीज़ें हैं, तो आप ज़रूर अपना स्पाइनल MRI करा के देखिए कि आप डायग्नोस करवाइए कि अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या कहीं पे इन्फ्लेमेशन या बल्जिंग तो है कि नहीं, और अगर है तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। तो अब आते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक में दो दवाएँ हैं जो स्पेशली मैं देती हूँ इस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो आती है वो SBL ब्रांड की आती है, SBL ड्रॉप्स नंबर 5 सर्वाइकल ड्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें जो मेडिसिन पड़ी हुई है स्पेशली ये इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस को क्योर करती है, बहुत ही अच्छी तरह डील करती है सर्वाइकल से स्पेशली रिलेटेड अगर कंप्लेंट्स आपको है। तो ये SBL की नंबर 5 ड्रॉप्स है, ये आप ले सकते हैं, बहुत सेफ़ और बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। 15 ड्रॉप्स आपको लेना है, 1/4 कप वाटर में 3 times a day। तो इसके साथ एक मेडिसिन और है, वो है शोबे ब्रांड की, आती है रग पेन, मोस्ट इफेक्टिव मोस्ट हाईली रिकमेंडेड मेडिसिन है ये, बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट है। तो रग पेन जो है इसके अंदर ऐसी मेडिसिन होम्योपैथ की पड़ी हुई है जो बहुत अच्छा एक्शन करती है आपके इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस को बहुत जल्दी क्योर करती है, और इन्फेक्ट की नमनेस स्वेलिंग नमनेस वाली फीलिंग जो आपको है उसको भी बहुत जल्दी क्योर करेगी। तो इसमें जो मेडिसिन पड़ी है वो है रस्टॉक्स है, आर्निका है, इसमें हाइपेरिकम पड़ी हुई है, इसमें कोलोसिन पड़ी हुई है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। इसको भी आपको 15 ड्रॉप्स लेना है, 1/4 कप वाटर में 3 times a day। तो ये दोनों बेसिक मेडिसिन है जो मैं देती हूँ। इसके साथ अगर आपको ये है स्पेशली सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा स्टिफनेस और नमनेस है हाथ पैरों में, तो आप रस्टॉक्स 2 ड्रॉप्स सुबह शाम ले सकते हैं ऑन द टंग, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका भी रिजल्ट है। तो ये सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है जो स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो इसको आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है। और इसके साथ आपको मैनेजमेंट देखना है कि पोस्चर अपना सही करिए, अगर आप टेढ़े बैठते हैं या आप झुक के बैठते हैं तो आप उसको सही करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ एक्सरसाइजेज भी करिए, स्पेशली अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपको है तो सर्वाइकल एक्सरसाइजेज आती है जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएगा, वो बहुत ज़रूरी है करना ताकि आपकी जो स्वेलिंग स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो जल्दी से ठीक हो सके। तो बहुत ज़रूरी है पोस्चर को मेंटेन करना और एक्सरसाइजेज करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मूवमेंट आपको बहुत नेसेसरी है, चलते फिरते रहा करिए और एक्सरसाइज करिए, टाइम दीजिए एक्सरसाइज को। नेक्स्ट है कि विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक करिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना तो आपका स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी सही हो जाएगी, बिना किसी सर्जिकल प्रोसेस के अपने आप दवाओं से सही हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, ताकि सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और आगे किस किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं जल्द ही, टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी, अल्लाह हाफिज़।